आज हम बनाएंगे कच्चे नारियल की बर्फी, जिसके लिए 3 नारियल लिए हैं। इनको ऊपर से छिलका उतार के कद्दूकस कर लिया है। अब हम इनको पीसेंगे। 1 कटोरी मिल्क पाउडर, 1 मिल्क मेड, इलायची पाउडर और बादाम। अब हम शुरू करते हैं। ये हमने नारियल डाल लिया, इसमें हम दूध डालेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के पीस लेंगे। ये हमने पीस लिया है। इसको पीसने के लिए 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। हम गैस जलाते हैं, इसको हम भूनेंगे। मिल्क पाउडर डाल देंगे। इस तरह से ठीक होने लग रहा है, या दूध जो है सूखने लग रहा है। लगातार हम इसे चलाते हुए इसको बिल्कुल सुखा लेंगे। ये एकदम ड्राई हो जाएगा, ये सूख जाएगा। फिर इसमें हम मिल्क मेड डालेंगे। अब ये ठीक हो चुका है। अब इसमें हम मिल्क मेड डालेंगे। दिखा दिखाए इसको। आवाज नहीं आ रही है। ये हमने इसमें एक पूरा मिल्क मेड डाल दिया है। हम इसमें चीनी नहीं डालेंगे और इसको लगातार चलाते हुए उसको सुखा लेंगे। ये अब ड्राई हो चुका है। अब इसे 5-10 मिनट बस और भून लेंगे। फिर ये हम एक मिल्क मेड का डिब्बा डाल चुके हैं। अब हम ये दूसरा डाल रहे हैं। हम इसमें 2 इस्तेमाल करेंगे नारियल बर्फी में। ये हमारी नारियल बर्फी बन के फिर तैयार हो जाएगी। इसको हम लगातार चलाते हुए किनारों से हटने लगे जा तो फिर हम ये जमने के लिए तैयार हो जाएगी। इसको लगातार चलाते रहेंगे। ये खाने में बहुत अच्छी लगती है, कच्चे नारियल की बर्फी। इसमें हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 2 डिब्बे हमने इसमें मिल्क मेड के इस्तेमाल किए हैं। इलायची पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच इलायची पाउडर, और लगातार चलाते रहेंगे इसको जब तक कि किनारे ना छोड़ने लगे।
और मिल्क मेड की बर्फी बन के तैयार है। अब इसको हम निकालते हैं और ये हमने ट्रे ग्रीस करके रखी हुई है, अब इसमें हम निकाल लेंगे। इसको दबा के हम इसको जमा देंगे। ये हमारी कच्चे नारियल और मिल्क मेड की बर्फी तैयार है। इसको ठंडा होने में अभी आधा एक घंटा लगेगा। जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसको पीसीज में दिखाएंगे। अभी इसे ठंडी होने के लिए रखते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब ये ठंडी हो जाएगी मैं इसको पीसीज में दिखाऊँगी। ये हमारी नारियल की बर्फी है, अब ठंडी हो चुकी है। अब हमने इसमें प्लेटिंग कर ली है। ये हमने पीसेस काट लिए हैं इसके और प्लेट में निकाल लिए हैं। आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।